बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। उसमें नीतीश जी का नाम प्रस्तुत होगा। अब चलिए रे, झूठ मूठ दिया आपका मन, अब इसके चक्कर में मत करेंगे। आप बैठे ना, सब के बारे में कह रहे हैं कि सबको इनवाइट करने की कोशिश करें। हो गया, चलिए रुक पड़िए। अरे ये कह रहे हैं कि सबको अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलकर करेंगे। इसलिए अभी क्या पूछ रहे हैं कि क्या होगा। अरे इतना अच्छा आपको बोल दिए हैं, सब छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी देश का एक जाना माना वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को शक की बात नहीं। नीतीश कुमार का सुनिए ना भाई, भाई का नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सुनिए सुनिए ना, सुनिए ना, मुझे बात को खत्म करने। जब हम बैठेंगे, समर्पित रूप से बैठेंगे, समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैं एक कौन बनता हूँ, मेरे जैसे कई नेता है देश में, तो सभी की सहमति से जिस प्रकार की नीति बनना चाहिए, जिस किसी को नेता चुन के सर पे लिए चलना चाहिए, वो जरूर हम आपको बता देंगे। आपको कोई घबराहट की या जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। आपको अपना एहसास होता है, आपको अपना एहसास होता है बिहार की धरती में बैठे यहाँ से रोशनी निकलेगी। जो आप बोले कि 2 साल में भारत जंग लगा, सब भारत में विपक्षी एकता की बात आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो गया, इतना बोल दिए एकता की बात आप कर रहे हैं। जी जी जी, क्या है तो आप जिनको हराने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं सुना जी। सर आपने कहा कि पूरे देश में संपूर्ण विपक्ष को हम एकजुट करेंगे, संभव प्रयास करेंगे। 2024 में जिनको हराने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा प्रयास करेंगे। ठीक है सर, जो लोग हमारे साथ मिलकर आएंगे मिलकर चलेंगे, आप जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है, चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठ कर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल, क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे। ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ, अब चलिए मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं, उनको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। हो गया।